दिस इज योर अल्टीमेट गाइड टू बारबेक्यू नेशन। इस वीडियो में आपको बारबेक्यू नेशन के बारे में सारे डिटेल्स ए टू जेड पता चल जाएंगे। आप सबका स्वागत है आपके फेवरेट चैनल द लोकल गाइड पे। मैं हूं नदीम। लेट्स स्टार्ट। वैसे तो बारबेक्यू नेशन की सारी ब्रांचेस में एक ही टाइप का खाना मिलता है, पर ये जो दिखने में बिल्कुल अलग होती है। आज मैं आपको हिंजेवाड़ी फेज वन में जो नई ब्रांच ओपन हुई है उसके बारे में बताता हूँ। जैसे ही आप अंदर आएंगे आपको यहाँ का बिल्कुल नया नवेला जो इंटीरियर है उसको देखकर बहुत ही सूदिंग फील होगा, काम फील होगा। तो ये पूरा एयर कंडीशनड है, बहुत सारे एसी कंपोनेंट्स लगे हुए हैं जिसकी वजह से अच्छा टेम्परेचर मेंटेन रहता है। तो जो ग्लास वाला सेक्शन है, जो ग्लास बॉल है, वहाँ पर लगातार कुर्सियों का एक अरेंजमेंट किया गया है, तो वहाँ पर आप दो या चार लोग आराम से बैठ सकते हैं। अगर आप ग्रुप्स में आते हैं, अक्सर जो आईटी होती है कंपनीज उसमें ऑफिस पार्टीज की जाती है, तो उसके लिए इस तरीके का सेक्शन है। देखिए यहाँ पर काफी सारे लोग अकोमोडेट हो सकते हैं, एंड इफ यू वॉन्ट यू कैन ज्वाइन दिस टेबल एज वेल। इसके लिए अच्छा खासा ओपन सेक्शन है। जो लाइटिंग वगैरह यहाँ पर लगाई गई है वो भी काफी अच्छे इस इंटीरियर से ब्लेंड होती है, मैच होती है। चार लोगों के लिए उधर जगह है और दो लोग के लिए यहाँ पर आप आराम से बैठ सकते हैं। देखिए कोने में छोटा सा सेक्शन है, जो ग्रिल वाला पार्ट है वो लगा हुआ है। तो यहाँ पर जो खाने की अलग अलग चीजें होती है उसका सेक्शन अलग अलग होता है। जैसे अभी ये वाला जो है फायर अप योर स्पिरिट, दिस इज मॉकटेल सेक्शन। यहाँ पर सोडा वगैरह आपको मिलता है, आप उसे अपने हिसाब से ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। और जो आपका ऑर्डर होता है जब आप बुकिंग करते हैं तो उसमें एक कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक ऑलरेडी इंक्लूडेड होती है। तो ये है चाट सेक्शन, यहाँ पर आपको पापड़ी चाट, पालक का जो चाट होता है वो, ये सारी चीजें यहाँ पर मिल जाएंगी। अगर आप बोलेंगे तो आपको टेबल पे भी बनाकर लाकर दिया जाता है। तो ये है कुल्फी और डेजर्ट का सेक्शन, बहुत सारे ऑप्शन है, एक एक करके आपको दिखाता हूँ। तो ये है मूंग दाल हलवा, ये देखिए बिल्कुल फ्रेशली प्रिपेयर किया जाता है, दिख भी बहुत बढ़िया रहा है। ये है शीर खुरमा। अब आपको बारबेक्यू नेशन में आएंगे तो ईद का इंतजार करने की जरूरत नहीं है, बहुत ही बढ़िया बना हुआ शीर खुरमा खा सकते हैं। और ये है गुलाब जामुन, छोटे छोटे नन्हे नन्हे गुलाब जामुन रहते हैं जिसको अगर आप चाहें तो आइसक्रीम के साथ मिलाकर खा सकते हैं, बहुत ही बढ़िया लगता है। स्वीट्स में भी एक मिडिल सेक्शन है जहां पर आपको फ्रेश कट फ्रूट्स मिल जाएंगे, फिरनी है, पेस्ट्रीज है, चॉकलेट पेस्ट्री, वेलवेट पेस्ट्री, शाही टुकड़ा नन्ना मुन्ना छोटा सा बिल्कुल एकदम, उसके अलावा मुस्से है और चॉकलेट बॉल्स, जेली बेली, ऐसा यानी बहुत सारे अलग चीजें जो मैंने मोस्टली यहाँ पे ही खाई है। तो ये कुल्फी सेक्शन है, यहाँ पर आप कुल्फी नॉर्मल भी खा सकते हैं, बट इफ यू वांट टू बी लिटिल बिट एडवेंचरस और आप कुछ नई चीजें ट्राई करने के शौकीन हैं तो आप कुल्फी को यहाँ पर इनको बोल सकते हैं कि ये अपने हिसाब से प्रिपेयर करके दें। तो ये उसमें काफी सारी चीजें डालकर अलग तरीके से बना के देते हैं, वो हम ट्राई करेंगे जब हम खाना खा लेंगे। तो आखिरी में डेजर्ट के तौर पर मैं यही खाने वाला हूँ, देन आई विल शो यू इन डिटेल कि हाउ दे प्रिपेयर इट। तो अभी लंच टाइम हो गया ना तो इसलिए काफी रश हो रहा है। ये इनका मेन कोर्स सेक्शन है, यहाँ पर बहुत सारी चीजें रहती हैं, प्री हीटेड प्लेट भी रहती है। एक एक करके मैं दिखाता हूँ यहाँ पर किस टाइप का आइटम रहता है मेन कोर्स में।
तो खाने की जो भी चीज आप इमेजिन करो वो आपको यहाँ पर मिलेगी। जैसे कि ये पानी पूरी, बढ़िया से दिखने वाले प्लेट में, बीच में जहाँ पर पानी डाला हुआ है, बहुत ही प्रीमियम सी पानी पूरी है ये, साफ सुथरे तरीके से बनाई गई है, पुदीना और इमली का पानी बनाया इन्होंने। उसके अलावा देखिए यहाँ पर पापड़ी चाट और ये पालक का चाट भी यहाँ पे मिलता है। अगर आप स्टार्टर के तौर पर ये खाना चाहते हैं तो खा सकते हैं, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा जो पेट में जगह है उसे बचा के रखिए, यहाँ के नॉन वेजिटेरियन और वेजिटेरियन स्टार्टर्स के लिए, क्योंकि बारबेक्यू नेशन अगर कोई आता है तो यहाँ के स्टार्टर्स को खाने के लिए आता है। अक्सर क्या होता है बारबेक्यू नेशन में कई चीजें ना अलग अलग दिन अलग अलग तरीके से मिलती है, जैसे कि आज यहाँ पर सोया चिली है, कमाल है, बिल्कुल चिकन चिल्ली की तरह लगता है। चिकन का जब फ्लेवर नहीं आता है तो मालूम होता है कि हाँ ये चिकन नहीं, अदरवाइज इट लुक्स एंड टेस्ट जस्ट लाइक चिकन चिल्ली। तो ये भी यहाँ पर रेगुलर रहता है। ये क्रिस्पी कॉर्न है, जो स्वीट कॉर्न है वो यूज किया जाता है, इसकी वजह से काफी मीठापन लगता है, वेजिटेरियन में अच्छा ऑप्शन है। तो जैसे ही आप टेबल पे यहाँ पर बैठते हैं और आप बोलते हैं कि हमारा जो ऑर्डर आप शुरू करिए, तो सबसे पहले ये जो ग्रिल होती है, ऐसा छोटा सा स्ट्रक्चर होता है जिसमें आपका बर्निंग कोल रहता है, जलता हुआ कोयला, लाल सुर्ख एकदम, उसे टेबल के बीच में लाके रख दिया जाता है। उसके बाद इसमें जो अलग अलग टाइप के सीख होती है, आप अगर वेजिटेरियन बोलेंगे तो वेजिटेरियन आइटम्स और नॉन वेजिटेरियन बोलेंगे तो नॉन वेजिटेरियन आपके पसंद के हिसाब से लाके दिया जाता है। बने बनाए स्टार्टर्स होते हैं, इसमें रहता है आपका कैजुन पोटैटोस, चिकन का कुछ कबाब होता है, वेज का कुछ कबाब होता है। तो मेरा फेवरेट जो यहाँ पर है वो है कैजुन पोटैटोस, वन ऑफ द बेस्ट स्टार्टर्स में से एक है। आउटर लेयर क्रिस्पी होती है, अंदर हल्का सा खट्टा मीठा स्वाद होता है और प्याज की वजह से बहुत गजब क्रंच आता है। कबाब है एक तरीके का, आई डोंट नो व्हाट इट इज, लेट्स सी। ये चिकन का कबाब है, ये चामी कबाब है चिकन का। तो ये जो कबाब है ना, इसमें दो तरीके का है, एक वेज है एक नॉन वेज। वेज वाला खा के देखते हैं। नॉन वेज वाला बहुत ही बढ़िया लगता है, और जो वेज वाला है इट विल हैव अ डिफरेंट टेक्सचर, सॉफ्ट टेक्सचर रहता है। ये चिकन की लेग पीस है और ये चिकन का सीख कबाब है। क्या अभी इसे ट्राई करते हैं, बहुत ही अच्छा है। मतलब इतने सारी चीजें हैं पर ऐसा नहीं किसी का भी टेस्ट इन्होंने खराब किया है, जो लज्जत है, जो टेस्ट है, बरकरार है हर एक चीजों में। तो अभी चिकन की लेग पीस खा के देखते हैं। ये देखिए कितने प्रॉपर तरीके से इसे तंदूर में ग्रिल किया गया है, इवन जो मीट है वो बोन से अलग होने लगा है। दांतों को जरा से भी मेहनत नहीं करनी पड़ी, गोश्त जो है वो एकदम बिल्कुल अलग होके आ गया, बहुत ही बढ़िया यार। KFC में जैसा मिलता है ना आपको चिकन विंग्स, चिकन स्ट्रिप्स जो रहती है, उसी स्टाइल में इसे बनाया गया है। इसे खा के देखते हैं। जो KFC में हम जाते हैं और जो चिकन पॉपकॉर्न में मसाला डाला रहता है, मुझे वो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। ये इन्होंने जो बनाया है ना, दे हैव वर्क्ड रियली रियली स्मार्टली एंड दे हैव मैच्ड इट विद व्हाट यू विल गेट इन KFC, इसकी वजह से इसका टेस्ट बहुत अच्छा लग रहा है। पनीर के कबाब वेजिटेरियन के लिए बहुत ही बड़ी सौगात है। पनीर सॉफ्ट है, अच्छा लग रहा है, मसाला भी ऊपर लाइट लगा है काफी। तो हमने दो चीजें ऑर्डर करी है, पहली है लेडी इन रेड, ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्ड रहती है मॉकटेल, और जो दूसरा है वो है मोइतो। तो नॉनवेज के कबाब अभी आने लगे हैं, सब कुछ छोड़ के सबसे पहले मैंने ले लिया है प्रॉन वाला कबाब। यहाँ पर बारबेक्यू नेशन में मेरे ख्याल से ज्यादातर लोग तो प्रॉन खाने ही आते हैं। इसे इस तरीके से निकाला जाता है, देखिए आप सीख को ले लीजिए, उसके बाद फिर इस तरीके से स्पून से निकालिए, एकदम सॉफ्ट है, हल्का सा मसाला है, प्रॉन का फ्लेवर निखर के आ रहा है। ये तो मैं कम से कम 3-4 सीख खा जाऊंगा, इतना अच्छा लगता है। अगर आप सिर्फ प्रॉन ही खाए ना आपके पैसे वसूल हो जाएंगे। वन ऑफ द बेस्ट स्टार्टर इन बारबेक्यू नेशन, मेरे ख्याल से कई लोगों के दिमाग में तो ऐसी इमेज होगी बारबेक्यू नेशन की, बारबेक्यू नेशन बोलते ही उनको अनलिमिटेड प्रॉन ही याद आ जाता है कि हाँ वहाँ अनलिमिटेड प्रॉन खाएंगे जाके। यहाँ पर फिश का जो है वो भी टिक्का काफी अच्छा लगता है, ये आप आराम से खा सकते हैं क्योंकि ये बोनलेस रहती है। मस्टर्ड का फ्लेवर आ रहा है। अब इस सिजलिंग चिकन कबाब को खाते देखिए किस तरीके से सिजल हो रहा है अभी भी। इसकी जो साइज है ना कबाब के, इतने छोटे और इतने सही है ना कि अच्छे से मसाला भी अब्जॉर्ब करते हैं और अच्छे से पक भी जाते हैं। जो सारे कबाब होते हैं ना वो वहाँ मेन बे में पकते हैं, वहाँ पे पकने के बाद लगभग 3-4 से ज़्यादा पक जाते हैं, फिर वो आके टेबल पे रखे जाते हैं। यस, अभी हम अपना मेन कोर्स लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे क्या होता है, आप अपना प्लेट हीट कर सकते हो तो खाना ठंडा होगा नहीं, और क्योंकि मैं इतनी सारी चीज़ें रिव्यू करता हूँ तो आई थिंक आई नीड दिस हीटेड, वरना खाना ठंडा हो जाता है। तो ये है वेज बिरयानी, आई एम नॉट गोइंग टू टेक इट, आई एम सॉरी, बट यू कैन हैव ऑब्वियसली अ वेज बिरयानी। उसके अलावा टोमेटो सूप है और ये चाइनीज है, देखिए हमने जैसा देखा था पनीर बटर मसाला, कोफ्ता करी, कोफ्ता ट्राई करते हैं थोड़ा सा। और यहाँ पर सेल्फ सर्विस ही है, आप इसे ऐसे ओपन कर देंगे तो धीरे धीरे ये नीचे जाता है, टेंशन नहीं है, यहाँ पर हम निकाल सकते हैं आराम से। उसके अलावा प्लेन राइस, नो आई एम गोइंग टू स्किप राइस, आई एम गोइंग टू हैव नान, जो आप टेबल पे बैठ के भी ऑर्डर कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ बढ़िया चीज़ थी वो मुझे ट्राई करना था, ये कश्मीरी आलू तड़का, ये बेबी पोटैटोज रहते हैं उसी से बनाया जाता है, या दाल मखनी दाल तड़का,
नो आई एम गोना स्किप इट एंड केरला स्टाइल फिश करी आई हो या यार दिस आई वांट टू हैव थोड़ा सा लेते हैं टेस्ट करने के लिए तो देखिए सिर्फ स्टार्टर में ही ऑप्शंस नहीं बल्कि मेन कोर्स में भी काफ़ी ज़्यादा रहते हैं ये है खड़ा मसाला नो आई ईट एग एवरी डे सो अंडे से तो बहुत मन भर चुका है ये है कमाल की चीज़ सो इसके लिए मैं दूसरा प्लेट लेके आता हूँ बिकॉज माई वाइफ इज ऑल्सो गोना ईट दिस सो गरम वाला ख़त्म हो गया था तो नॉर्मल ले लिया हूँ ठीक है पिलेटवा ये दोनों काफ़ी बढ़िया चीज़ है आहा हा ये है लाल मांस क्रेविंग हो रही थी क्रेविंग अब सेटिस्फाई हो जाएगी थोड़ा थोड़ा ले रहा हूँ मैं देखिए खाना अनलिमिटेड है इसका मतलब ये नहीं कि हम कितना भी लें और वेस्ट करें बट आप उतना ही लें जितना खा सकते हैं तो सही रहेगा तो अगर आपको बिरयानी निकालना है आप एक हाथ में प्लेट पकड़े हुए हैं तो इसे ऐसे पकड़िए और यहाँ लगा दीजिए है ना बढ़िया आइडिया बिरयानी इनकी अच्छी है चलिए अब हम चलते टेबल पे और खाते हैं तो यहाँ टेबल पे बैठ के आप नान मंगा सकते हैं नान या रोटी जो भी आपको चाहिए ये कश्मीरी आलू है बढ़िया है काफ़ी बढ़िया है अब कोफ्ता ट्राई करते हैं और कोफ्ता कितना सॉफ्ट है देखिए आसानी से टूट गया बहुत ही क्रीमी ग्रेवी है और मेथी का फ्लेवर ज़्यादा आ रहा है अब केरला फिश करी ट्राई करते हैं इसमें कांटा है तो थोड़ा ध्यान से खाइएगा रिच और फ्लेवरफुल ग्रेवी है फिश भी एकदम सॉफ्ट है और कांटा आराम से निकल जाता है सो चिंता करने की बात नहीं है आराम से खा सकते हैं कई बार आ चुका हूँ मैं बारबेक्यू नेशन में हमेशा लाल मांस रहता ही है लाल मांस की जो ग्रेवी रहती है ना उसमें जो फ्लेवर मेन रहता है वो मीट का ही रहता है उसके फैट से जो डिजोल्व होकर आता है वो मीट भी एकदम टेंडर है और ये चिकन है अगर आप मटन नहीं खाना चाहते तो चिकन की ग्रेवी भी ट्राई कर सकते हैं तो यहाँ पर बिरयानी भी रहती है वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन खुशबू अच्छी आ रही थी इसलिए मैंने थोड़ा टेस्ट करने के लिए ले लिया चिकन की बिरयानी है तो अगर आप मटन नहीं खाना पसंद करते तो भी आपको कोई तकलीफ नहीं होगी तो अब डेजर्ट सेक्शन इट्स टाइम टू पाइल अप कैलोरीज इन माई बॉडी उसके बाद देखना पड़ेगा क्या करना है उस कैलोरीज का मूंग दाल हलवा मुझे बहुत पसंद है इसलिए मैं ले रहा हूँ थोड़ा सा सिंगल पीस ऑफ गुलाब जामुन फिरनी ये रहा नन्ना मुन्ना सा रेड वेलवेट पेस्ट्री मोसे कलरफुल जेली या लुक एट दिस प्लेट कितना बढ़िया लग रहा है कुल्फी भी करवा लेते हैं तो ये है कुल्फी इसे एक तरीके से फालूदा का शेप ही दे दिया जाता है रोज फ्लेवर्ड कुल्फी बन गई है फालूदा जैसा ही लग रहा है ये अच्छा एडिशन किया पहले तो कुल्फी मिलती थी पान फ्लेवर्ड ये सब बट दिस इज़ गुड अब ज़रा इस कलेक्शन में से कुछ कुछ चीज़ों को ट्राई करते हैं सबसे पहले चीज़ मैं करूँगा जेली लुक हाउ इट्स शेकिंग वो कुल्फी खाने के बाद बिल्कुल ज़्यादा मीठा लग ही नहीं रही है फिर तो शुरू से ही पसंद है ज़्यादा मीठी नहीं होती है बढ़िया सा टेक्सचर आता है दानेदार और जो ग्रीन कलर का ऊपर है ना उसे एकदम टार्ट खट्टा फ्लेवर आ रहा है ये जो छोटे छोटे साइज़ में पोर्शंस में दिया जाता है ना इसकी वजह से अगर एक आदमी चाहे भी तो आराम से मल्टीपल चीज़ों को ट्राई कर सकता है मूंग दाल हलवा माई फेवरेट बहुत बढ़िया बहुत अच्छे से फ्राई किया गया है बढ़िया लग रहा है जो गुलाब जामुन यूजुअली से आइसक्रीम के साथ खाया जाता है फ्रेश बनाया जाता है ना इसलिए अच्छा लगता है खाने में वैलेट वाली में ज़्यादा कुछ फ्लेवर आया नहीं कुछ ज़्यादा मीठा मीठा खा लिया ना मैंने चॉकलेट वाली खाते हैं अच्छी लगी तो देखा आपने मीठे में भी कितना सारा कलेक्शन है तो दावत तो हमारी फिनिश हो गई काफ़ी सारा खा लिया इतनी सारी कैलोरी जमा कर ली अब इस कैलोरी का करें क्या एक काम कर सकते हैं लेट्स डू दिस उसके लिए तो जिम में ही आना पड़ेगा इतनी कैलोरी अगर आपको बर्न करना है तो वो जिम में ही होने वाली है अब इस वीडियो में मैंने आपके साथ सारी डिटेल शेयर कर दी है कि कैसे आना है क्या क्या खाना है आप इवन अपना एपेटाइट भी प्लान कर सकते हैं यू नो दिस इज़ अ न्यू वर्ड आप अपना एपेटाइट प्लान कर सकते हैं कि आपको कब क्या खाना है और खाने के बाद ये ज़रूर याद रखें कि इस तरीके से या फिर वॉक करके जैसे भी वो सारी कैलोरी आप बर्न ज़रूर कर लें उतना ही खाएं जितना ज़रूरत हो कुछ भी वेस्ट ना करें आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको हेल्प करेगा आपकी जो ट्रिप है बारबेक्यू नेशन की उसको प्लान करने के लिए अगर आप एब्सोल्यूट बारबेक्यू का वीडियो देखना चाहते हैं तो वो आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं आई विल गो बैक टू बर्निंग माई कैलोरीज आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड टेक केयर गॉड ब्लेस यू ऑल थैंक यू